हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीस ट्रेवल चैनल। ये है सिंगापुर सीरीज। सिंगापुर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी और कंट्री है। वैसे तो सिंगापुर इतना बड़ा नहीं है, बट इसमें देखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल गार्डन बाय बे है, मरलॉयन है, मरीना बे है, नाइट सफारी भी कर सकते हो उसके सिंगापुर के जू में, यूनिवर्सल स्टूडियो भी है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हॉकर्स मार्केट है, केबल कार है, एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया की शॉप्स हैं, तो उसको लिटिल इंडिया कहते हैं। उसके अलावा एक आइलैंड भी है वहां से पास में जो कि सेंटोसा आइलैंड है, वहां पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी होती हैं। सिंगापुर की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं ऑफिशियल, बट इसकी चार ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आई हैं। जैसे माले है जो मलेशिया से आई है, चाइनीज है मैंड्रिन जो कि चाइना से आई है, तमिल है जो कि इंडिया से आई है, और इंग्लिश। ये चारों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में मरीना बे के पास फाउंटेन शो होता है और लाइट शो होता है जो कि हर रोज होता है। जैसे दुबई में होता है इवनिंग में, वैसे सिंगापुर में भी हर इवनिंग में ये शो होता है। तो इसको आप बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट से देख सकते हो। आप मरीना बे के ऊपर इसको बैठ के रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप नीचे भी इसको एंजॉय कर सकते हो खड़े हो। सिंगापुर में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स भी हैं, जैसे बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल हुआ है। इस व्लॉग में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिंगापुर का ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हो, वीजा के लिए क्या चाहिए, और फ्लाइट्स का आप कैसे प्लान कर सकते हो, आइटनरी क्या होगी, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो सिंगापुर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था दिल्ली एयरपोर्ट से, वहां से हमारी फ्लाइट थी वाया चेन्नई एंड टू सिंगापुर। सिंगापुर में लैंड होते ही आपको लगता है कि आप अलग ही दुनिया में आ गए हो। इसका जो चांगी एयरपोर्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, और उसमें इतना कुछ है देखने के लिए कि आपको आप कितने ही डे स्पेंड कर सकते हो उसमें घूमते घूमते। इसमें चांगी ज्वेल है पहले तो, जो कि आर्टिफिशियल वाटरफॉल है जो कलर भी चेंज करता है, उसके अंदर गार्डन के अंदर बना हुआ है, वो बहुत सुंदर है देखने के लिए। उसके अलावा फिश पॉन्ड्स हैं एयरपोर्ट के, गेट्स के पास तक फिश पॉन्ड्स हैं। बटरफ्लाई गार्डन है, इसमें एक थिएटर भी है जिसपे आप मूवी देख सकते हो कभी भी। वर्ल्ड के बेस्ट शॉपिंग ब्रांड्स भी हैं, इसमें गेम रूम भी बना हुआ है जिसमें आप गेम खेल सकते हो, मसाज चेयर्स भी हैं, स्विमिंग पूल है, जकूजी है, एरो ब्रिज है, और इस एयरपोर्ट को 8 टाइम मिल चुका है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी। डायना ने, लेडी डायना ने भी इसको एयरपोर्ट का अवार्ड दिया था बेस्ट एयरपोर्ट का 1993 में अप्रोक्सीमेट। वैसे तो दिल्ली एयरपोर्ट का IGI भी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, और इसी की तरह सिंगापुर में भी इंटर टर्मिनल मेट्रो चलती है जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाती है। बट एक लेवल और इन्होंने आगे कर दिया है उसको सिंगापुर वालों ने, इन्होंने ड्राइवरलेस मेट्रो बनाई है, और प्लस विदाउट एनी कॉस्ट फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। हर टर्मिनल में कुछ ना कुछ देखने के लिए और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका ट्रांजिट भी है सिंगापुर एयरपोर्ट पे, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो उसमें। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया या US का वैलिड वीजा है और आप सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हो सिंगापुर एयरपोर्ट से, तब भी आप वहाँ पे एक फ्री सिटी टूर भी ले सकते हो जो आपको एयरपोर्ट से ले जाता है और एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देता है। कुछ आवर्स का होता है वो सर्विस आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था, ये पहले एक फिशिंग टाउन हुआ करता था, अब तो ये फाइनेंशियल हब है वर्ल्ड का, बट पहले ये छोटा सा एक फिशिंग टाउन हुआ करता था। अब तो बहुत सारी कंट्रीज का इस पर इन्फ्लुएंस था तब भी, इसी वजह से सिंगापुर में आज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाउन है, लाइक चाइना टाउन है, लिटिल इंडिया है, अरब स्ट्रीट है, और भी बहुत सारे हैं। और बट एक चीज बहुत अच्छी की है सिंगापुर गवर्नमेंट ने कि मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक बिल्डिंग में, हर एक पॉपुलेशन, माले की, मलेशिया वालों की, कुछ चाइनीज की, कुछ इंडियंस की, इसी वजह से वो एक दूसरे से मिल के रहे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमें कुछ इस तरीके से सिटी व्यू मिले अपनी कैब के जो हम वहां से निकल के जा रहे थे होटल तक। उस दिन रेस्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे निकल पड़े गार्डन बाय बे की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल गार्डन बने हुए हैं। बे जो कंजर्वेटरीज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है,
इसके दो डोम है, एक फ्लावर डोम है, एक क्लाउड फॉरेस्ट डोम है। जो फ्लावर डोम है वो 2015 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस डोम। और इसके अंदर एक वाटरफॉल भी है, वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल है। गार्डन बाय बे में और भी बहुत कुछ देखने के लिए है। यहाँ पे फ्लावर्स की बहुत सारी वैरायटी है, प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी है जो आप देख सकते हो, इसमें एंजॉय कर सकते हो देख के। गार्डन बे की टिकट आप इस साइट से ले सकते हैं, और आपको नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, और आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको टिकट एवेटार एक्सपीरियंस की बुक करनी है, या कोई डोम की बुक करनी है, या कोई सुपर ट्री, एक सुपर ट्री भी है ऑब्जर्वेटरी, उसकी बुक करनी है, या स्काईवे की बुक करनी है, शटल की सर्विस की भी आप बुक कर सकते हो। जब ये फाइनल हो जाए तो आपको एक उसमें सेलेक्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स आपको सेलेक्ट करने हैं, और इसकी कॉस्ट अराउंड है 53 सिंगापुर डॉलर अडल्ट की, और बच्चों के लिए 40 डॉलर। 53 इज इक्वल टू 3,000 इंडियन रुपीज़, और ये लगभग 2,000 के करीब टिकट मिल जाएगी आपको। गार्डन बाय बे देखने के बाद, इसके व्यू लेने के बाद, फिर हम वहां से निकल गए मरलाइन को देखने के लिए। गार्डन बाय बे के अंदर से भी आपको मरीना बे दिखता है, और मरलाइन की साइड से भी आपको मरीना बे दिखता है, क्योंकि ये सब आसपास ही है, लेकिन मरलाइन भी एक देखने वाला है जो कि उसका फिश का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है देखना। मैं आपको अब सिंगापुर वीजा की इन्फो आगे बढ़ने से पहले, सिंगापुर का वीज़ा लगाने के लिए आपको इस साइट से हेल्प लेनी पड़ेगी। इस साइट में आपको सारी एजेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, और PDF डाउनलोड करके आपको ये सारी लिस्ट ऑफ एजेंट्स मिल जाएंगे और उनकी साइट्स मिल जाएगी। सिंगापुर का इकलौता ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरेक्ट ना तो सिंगापुर की वेबसाइट और ना ही एम्बेसी और ना ही VFS सेंटर के थ्रू कर सकते हो। ये अप्लाई ऑनलाइन ही होता है, बट ये होता है एजेंट के थ्रू ही है। एजेंट अपनी फ़ीस मैक्सिमम 500 तक ले सकता है। वैसे सिंगापुर की जो फ़ीस है वीज़ा की, वो है अराउंड 30 सिंगापुर डॉलर, जो कि बनते हैं 1800 के करीब, और प्लस 500 ये एक्स्ट्रा होता है। और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, और इस वीज़ा में या तो आपको 2 ईयर्स के लिए भी मिल सकता है मैक्सिमम, या आपको 30 डेज़ के लिए भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रीवियस कितने पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लगे हैं और आपका एड्रेस कहाँ का है, ये सारे फैक्टर उसमें आ जाते हैं। अब आता है इसके रिक्वायरमेंट क्या है वीज़ा लगाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में मेन तो आपको फॉर्म 14A चाहिए होता है, जो आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आपको फिल करना होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, नेम वगैरह एंड प्लेस, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप, और आपकी इनकम, और पासपोर्ट की कॉपी कलर्ड में, जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड हो, और उसमें 3 पेज मिनिमम ब्लैंक हो, अभी वो भी चाहिए होता है। प्लस उसके अलावा आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होती हैं, टूर फोटोग्राफ, जो कि 35x45 mm की साइज़ की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये बहुत स्पेसिफिक है, ये फ़ोटोज़ आपको उसी साइज़ में ही करवानी पड़ेंगी जिसमें सिंगापुर का वीज़ा वैलिड होता है, अदरवाइज़ इसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस आपको एक कवरिंग लेटर होता है, जो एम्प्लॉयड है उनके लिए प्लेन पेपर में कर सकते हो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको कंपनी लेटर हेड पे ही लिख के देना होता है कि आप क्यों जा रहे हो, क्या रीज़न है, आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, ये सारी डिटेल आप उसमें लिख के दे सकते हो। यही सब रिक्वायरमेंट्स है इसके वीज़ा की। और इसके लिए, इसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होते हैं, जैसे आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप हो गई, एम्प्लॉयमेंट का आईडी कार्ड हो गया, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको आपका पार्टनरशिप डीड और वो सब डिटेल आ जाती हैं, और जो बंदे रिटायर्ड हैं उनके लिए पेंशन बुक और स्टेटमेंट, ये सब आप डिटेल सबमिट कर सकते हो। फिर हम सिंगापुर की फेमस नाइट सफारी के लिए निकल गए। The water using their specialized beaks. नाइट सफारी आप इस साइट से बुक कर सकते हो। हमेशा ऑफिशियल साइट से बुक करो जो भी आपको बुक करना है। नाइट सफारी की ये टाइमिंग है, और इसका प्राइसिंग 55 डॉलर है एडल्ट का, 38 है चाइल्ड का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3,500 और 2,500 के करीब बनता है। Feel of grass. Their rotund appearance belies their formidable strength
नाइल ये एक ओपन सफारी है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। aggressive animals on earth. All right, welcome to the night safari and to the creatures of the night presentation. My name is Don. Are you guys feeling good tonight? Yeah! Are you guys feeling good tonight? Yeah! There we go. All right, before we begin, I have a few announcements I would like to make. First and foremost, we still have guests streaming in, so I need everyone's favor. यहाँ पे बहुत सारे शोज भी होते हैं इवनिंग में जहाँ पे एनिमल पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें तो आप टाइमिंग देख के उसमें बुक कर सकते हैं। नाइट सफारी कंप्लीट करने के बाद हमारा डे एंड हो गया सिंगापुर में, और आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत सारी और सिंगापुर की चीजें, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो हो गया और क्लार्क के हो गया, चाइना टाउन हो गया, सेंटोसा आइलैंड हो गया, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर कंटेंट लाइक दिस।